हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रशिका गुप्ता एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। एज आई सेड टू ऑल ऑफ यू दैट वी वुड कवर स्पोकन पोर्शन विद ग्रामर एंड वोकैबलरी। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हम ग्रामर और वोकैबलरी के साथ साथ स्पोकन पोर्शन भी कवर करेंगे, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पोकन के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे किस किस तरीके से हम छोटे छोटे फ्रेजेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे फ्रेजेस ही पढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस, लेंदी लेंदी फ्रेजेस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे। अगर एकदम से मैं आपके सामने बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस रख दूँ तो मुझे उनको भी लेके चलना है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस को लेके चलेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके लेवल को उठाएंगे एंड वी विल डेफिनेटली गो टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल के साथ। तो हम एक कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। फ्रेजेस टू यूज़ इन डेली लाइफ, आप रोज़ इनको यूज़ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको बोलनी हो तो आप उसको हिंदी में ना बोल के आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको बहुत जल्दी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, लेकिन बस ट्राई ये कीजिए कि आप छोटे छोटे फ्रेजेस को, इन छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में, हिंदी में ना बोल के आप उनको इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट फ्रेज के साथ। तो क्या समझ आया है? आप किसी पूछते हो ना, किसी को कोई चीज़ समझाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कोई क्वेश्चन समझा रहे हो या कुछ भी समझा रहे हो, फिर बाद में आप उससे पूछते हो समझ आया तेरे को, चाहे बात समझ आई, ये समझ आया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या पूछते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो, शॉर्ट में आप उसको कैसे बोलते हो? ये ना बोल के समझ आया बोल सकते, जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी गॉट इट, तो उसका मतलब मैं पूछ रही हूँ कि समझ आया, तो आप क्या पूछ सकते हो, गॉट इट मतलब समझ आया। तो सामने वाला भी रेस्पॉन्ड में यही बोल सकता है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ गॉट इट, मैं तो क्वेश्चन वाले फॉर्म में पूछ रही हूँ समझ आया, वो कह रहा है कि हाँ समझ आया, तो वो भी कह सकता है यस आई गॉट इट, तो वो भी सामने से रिप्लाई कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है और आंसर भी हो सकता है। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैंने बोला गॉट इट मतलब समझ आया, सामने वाले ने कहा समझ आया, गॉट इट, तो ये भी आंसर भी हो सकता है और क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आंसर मुझे मिल रहा है तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा, तो अगर आंसर मिल रहा है तो ये मिल सकता है गॉट इट, हाँ मतलब मुझे समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलते रहो। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है बोलते रहो और एक है बात करते रहो। ठीक है, आप कहोगे लगभग सेम सा लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बोलने में और बात करने में क्या डिफरेंस होता है। बोलने मतलब से मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ उसमें किसी बात नहीं कर रही हूँ, तो ये बोलना हुआ, मतलब जिसमें एक ही पर्सन का रोल होता है तो उसको बोलते हैं बोलना। अब बात करना मतलब जहाँ पे दो या तीन लोग इन्वॉल्व है, मतलब एक से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत चल रही है। तो जब हम बोलने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पीक की, स्पीक स्पीक यूज़ करते हैं उसके लिए। जब हम बात की बात करते हैं, बात करने की, तो हम यूज़ करते हैं टॉक, टॉक मतलब बातचीत। ठीक है, तो मैंने कहा बोलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात कर रही हूँ बोलने की, बातें करने की नहीं, तो मैं बोलूँगी कीप स्पीकिंग। क्या बोलूँगी? कीप स्पीकिंग मतलब बोलते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि बात करते रहो, तो बात करने के लिए तो स्पीकिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि तो बोलने के लिए है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कीप टॉकिंग। ठीक है, बात करते रहो तो कीप टॉकिंग, और अगर बोलते रहो तो कीप स्पीकिंग। दोनों तरीके से हम इसको, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने कहा बैठे रहो। ठीक है, ऐसा कोई आपको सीट दे रहा है बस में, ट्रेन में, कहीं भी सीट दे रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं 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 कोई बात नहीं, बैठे रहो, इस तरीके से बैठे रहो। तो क्या आप क्या कह सकते हो, बैठे रहो को क्या बोल सकते हो? कीप सीटेड। ठीक है, आप कह सकते हो कि बैठे रहो मतलब उठने की जरूरत नहीं है, या आप कह सकते हो कि बी सीटेड मतलब बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ बैठे हो बैठे रहो। ठीक है, उठने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसे आप कह सकते हो, बी सीटेड आप बोल सकते हो, या फिर एक जो मैंने आपको बताया वो भी आप बोल सकते हो, कीप सिटिंग। दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मतलब बैठे रहो। अब नेक्स्ट फ्रेज आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहते ना यार नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, नो प्रॉब्लम भी कह सकते हो, और साथ में एक आप बोलते हो जो आप बोलते हो नो इश्यू, नो इशू बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम बोल सकते हो। यू कैन से नो इशू और नो प्रॉब्लम व्हेन व्हेन यू वांट टू से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, ये करवा देना। ठीक है, ये करवा देना, कहते हैं किसी को भी आप कोई चीज़ दे रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, कोई भी चीज़ दे रहे हो, बोल रहे हो कि यार ये करवा देना। ठीक है, तो उसको क्या कैसे बोलोगे इंग्लिश में? गेट इट डन, गेट इट ये करवा देना। देखो इट ये लिखना है ना हमें, तो ये के लिए हमने लिखा इट, करवा देना, हमने कोई काम करवाना है तो डन लिख दिया हमने उसके लिए, गेट इट डन मतलब ये करवा देना। अब आपको बस थोड़ा सा इसको ऐसे बोलना है, ये काम करवा देना, आप एक से सिंपल बोल रहे हो ये करवा देना तो गेट इट डन, आप कह रहे हो ये काम करवा देना मतलब गेट दिस वर्क डन, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। क्या मतलब, क्या बोला मैंने? गेट दिस वर्क डन, गेट दिस वर्क डन। ठीक है, ये काम करवा देना, गेट दिस वर्क डन।
तो आप ऐसे बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, काम लगा दिया ना हमने तो, गेट दिस वर्ड. बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, आप इनको यूज कर सकते हो. बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस भी आपके सामने लेके आऊंगे. नेक्स्ट क्लास हम देखोगे लेवल को थोड़ा उठाएंगे, ठीक है, वी विल इंक्रीज द लेवल डेफिनेटली. बट अभी हम छोटे छोटे फ्रेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं. अब देखो मैं ये वाले साइड क्लियर करने वाली हूँ. आई विल क्लियर दिस साइड एंड यू विल टेल द आंसर्स ऑफ दीज टाइप दीज क्वेश्चन, ठीक है. तो मैं ये वाली साइड क्लियर कर रही हूँ और आप लोग बताएंगे मेरे साथ साथ, बोलेंगे कि इसका क्या था, ठीक है, हमने क्या अभी पढ़ा है. तो इस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए. हाथ क्या था, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. बस अब उसके बाद क्या बचेगा, अब उसके बाद बचेगा इम्प्लीकेशन, मतलब आपको अपने डेली लाइफ में इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है. वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी. यहाँ में जो आप प्रैक्टिस करा रही हूँ, यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो हाँ आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बट उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ज़्यादा अपने डेली में यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको चीज़ें और अच्छे से आपके टंग पे आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है. चलिए मेरे साथ बोलेंगे. मैंने बोला समझ आया, समझ आया. क्या लिखा था हमने, बोलिए बोलिए बोलिए, केवल क्या लिखा था हमने, समझ आया. गॉट इट, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, समझ आया. सामने वाला कह रहा है हाँ समझ आ गया, तो वो भी क्या बोलेगा, यस गॉट इट. दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ क्वेश्चन एज अ आंसर. नेक्स्ट देखते हैं बोलते रहो, ठीक है. मैंने कहा बोलते रहो, बोलते रहो तो क्या बोलेंगे, कीप स्पीकिंग. वेरी गुड, कीप स्पीकिंग. अब एक है बात करते रहो, बोलते रहो के लिए कीप स्पीकिंग और बात करते रहो के लिए कीप टॉकिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट देखो बैठे रहो, कोई आपको सीट दे रहा है आपका, तो नहीं नहीं आप उठो मत, प्लीज़ आप बैठे रहिए, ठीक है. फॉर्मेलिटी करते हो, कभी बैठने का मन होता है फिर भी दूसरे को कहते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बैठे रहो यार, तो उसके लिए क्या बोलोगे, कीप सिटिंग या फिर बी सीटेड, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे. नेक्स्ट देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप कहते हैं ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम या फिर नो इशू, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो. ये करवा देना भाई, प्लीज़ ये करवा देना, ठीक है. कहते हैं ना यार ये करवा देना, प्लीज़ गेट इट डन, गेट इट डन. और ये काम करवा देना तो प्लीज़ गेट दिस वर्क डन, ठीक है. गेट दिस वर्क, काम के लिए हमने दिस वर्क लगा दिया. गेट इट डन मतलब ये करवा देना. और फ्रेजेस देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको यूज कर सकते हो. चलिए देखते हैं और कुछ फ्रेजेस. चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, लाइट चली गई, ठीक है. लाइट जब चली जाए तो आप बोलते हो, एकदम से मुंह से ये निकलता है अरे लाइट चली गई, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, लाइट वेंट ऑफ, ठीक है. आप ये ना बोल के लाइट चली गई, आप ऐसे बोलिए जब भी लाइट चली जाए, लाइट वेंट ऑफ, लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई, ठीक है. बहुत ज़्यादा रोज ही आप इनको यूज़ कर सकते हो, कभी भी कुछ भी ऐसा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनको हिंदी में ना बोल के आप इनको इंग्लिश में बोलें, तो बहुत ही इस तरह से आप यूज़ करोगे तो याद हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये पार्टी तेरी तरफ से, आज की पार्टी तेरी तरफ से, तो वही आपको किसी को कहना हो कि आप किसी से पार्टी ले रहे हो, आप किसी को कहना हो कि आप आज की पार्टी तेरी तरफ से है, तो आप क्या कहोगे उसको, दिस पार्टी इज ऑन यू, दिस पार्टी इज ऑन यू, दिस पार्टी इज ऑन यू, आज की पार्टी तेरी तरफ से, दिस पार्टी इज ऑन यू, और कुछ नहीं, ठीक है. बस हाँ इतना ही कहना था यार मुझे, और कुछ नहीं मतलब, और कुछ नहीं मतलब नथिंग मोर, नथिंग मोर, नथिंग मोर, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग मोर. नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे यार, ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं मतलब नॉट अ बिट. अबिट, अबिट का मतलब होता है थोड़ा सा. अबिट अगर आपको अगर आपको ये कहना है ना कि थोड़ा सा, तो आप कहोगे कि अबिट. बट आपको कहना है कि थोड़ा सा भी नहीं, तो आप कहोगे नॉट अबिट, ठीक है. थोड़ा सा अबिट, थोड़ा सा भी नहीं नॉट अबिट, ठीक है. बाहर प्रतीक्षा करो, ठीक है. आप कहते हो ना किसी को कि जैसे कोई आपके घर आया कि मैं अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में, आप थोड़ी देर बाहर वेट करो, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, वेट आउटसाइड. क्या बोलोगे, वेट आउटसाइड. बाहर प्रतीक्षा करो, बाहर वेट करो मतलब वेट आउटसाइड, बाहर थोड़ा सा वेट करना है आपको, वेट आउटसाइड. भरोसा रखो, मतलब कहते हो ना कि यार तू टेंशन मत ले, भरोसा रखो मैं सब ठीक कर दूंगा. भरोसा रखो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो. किसी पर्सन को जब आप सामने से अश्योर कराना चाहते हो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि रेस्ट अश्योर्ड, ऐसे आप इसको बोल सकते हो, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है. भरोसा रखो, जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो. जल्दी करो को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, जैसे कहते हैं ना फटाफट किसी में जाने की आपको जल्दी होती है, किसी पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो मतलब हरी अप, तो आप बोलते ही हो, हरी अप भी कह सकते हो. प्लस जो इससे भी अच्छा है, जो आप थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हरी अप थोड़ा कॉमन हो गया, सबको पता ही है, तो आप कह सकते हो मेक हैस्ट, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप हरी अप तो आप लोगों को पता ही है कि हम उसको बोलते हैं हरी अप. नेक्स्ट है मुझे तंग मत करो, ठीक है. कोई आपको परेशान कर रहा हो तो आप कहते हो कि यार मुझे तंग मत करो, प्लीज़ आराम से बैठ जाओ, पढ़ने दो, सोने दो, कभी भी आप ये यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो तो आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप कहोगे कि यार मुझे तंग मत करो, पढ़ रहे हो कोई परेशान कर तो आप या तब भी कह सकते हो कि मुझे तंग मत करो. कहीं भी आप ये सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हो, तो मुझे तंग मत करो मतलब डोंट ट्रबल मी,
डोंट ट्रबल मी, मुझे तंग मत करो, डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो, तंग मत करो मुझे, डोंट ट्रबल मी। ठीक है, तो अभी आपके सारे फ्रेजेस हमने पढ़े, अब इनको मैं साइड राइट साइड में क्लीन करने जा रही हूँ, आप लोग बताओगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, हम इसको रिवाइज करते हैं, एक क्विक रिविजन करते हैं इसका, हैंड टू हैंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट तो उसके बाद आप किस तरह से उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। लाइट चली गई, बोली क्या था, लाइट चली गई, लाइट वेंट ऑफ, वेरी गुड, ये पार्टी तेरी तरफ से, दिस पार्टी इज ऑन यू, वेरी गुड, दिस पार्टी इज ऑन यू, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या किया था हमने अभी, नथिंग मोर। ठीक है, नथिंग मोर। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाहर प्रतीक्षा करो, बाहर वेट करो, मतलब वेट आउटसाइड। नेक्स्ट देखो, भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर्ड, क्या बोलोगे, बहुत अच्छा वर्ड है रेस्ट एश्योर्ड, किसी को भी आप कह सकते हो कि जब आपको किसी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना हो तो आप कह सकते हो कि यार रेस्ट एश्योर्ड, मतलब मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा करो। ठीक है, जल्दी करो, मतलब हरी अप या मेक हैस्ट, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो मतलब डोंट ट्रबल मी। ठीक है, डोंट ट्रबल मी मतलब मुझे परेशान मत करो, ये दोनों में से आप कुछ भी आप इन फ्रेजेस को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, फर्श पर मत थूको, फर्श पर मत थूको, क्या बोलोगे आप इसको इंग्लिश में, फर्श पर मत थूको। देखो, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, क्या बोलोगे, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ऐसे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अच्छा सा लगना चाहिए, तो जो भी हमारी इस तरह की वर्ब्स होती हैं हम इनको शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं डू नॉट की अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो होती है डोंट, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगी फर्श पर मत थूको, तो अगर ऐसे बोल के, ऐसे ना बोल के डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, अगर मैं ऐसे बोलूँगी डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इनको हमेशा शॉर्ट में यूज़ कीजिए, जब भी आप स्पोकन में यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट में यूज़ कीजिए, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। ठीक है, स्पिट का मतलब होता है थूकना, ठीक है, और फ्लोर आपने फर्श के लिए यूज़ किया, तो डू नॉट स्पिट, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, तो आप इसको डू नॉट ना बोल के क्या बोल सकते हैं, डोंट का यूज़ कर सकते हैं, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। नेक्स्ट देखो, साइकिल में हवा भर दो, आप कहीं जा रहे हो तो किसी से हवा भरवानी है तो आप कह रहे हो कि साइकिल में हवा भर दो, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, इन्फ्लेट द साइकिल, क्या बोलोगे, इन्फ्लेट द साइकिल, साइकिल में हवा भर दो मतलब इन्फ्लेट द साइकिल, साइकिल में हवा भर दो। ठीक है, मेरा हाथ छोड़ दो, कई बार गुस्सा आ रहा है किसी पे तो कह रहा है कि मेरा अपने आप चलो यार, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ छोड़ दो, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, लेट गो माई हैंड, लेट गो माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो, लेट गो माई हैंड। नेक्स्ट देखो, नंगे पाँव मत चलो, कई बार छोटे बच्चे होते हैं घर में नंगे पैर घूमते रहते हैं तो हम उनको कहते हैं ना कि नंगे पाँव मत चलो। ठीक है, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, तो मैं उनको कहती कहती थक जाती हूँ कि यार नंगे पैर मत चला करो, पैर में छिपकली काट लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे सुनते ही नहीं है। तो आपको ये बार ये सेंटेंस बहुत बार यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं भी आप अपने घर में किसी को भी बोल सकते हो कि यार नंगे पाँव मत चलो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, डोंट वॉक बेयर फूटेड। ठीक है, कैसे बोलोगे, डू नॉट को मैं फिर से वही आपको समझाई चुकी हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डोंट वॉक बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पैर, फुटेड से आप समझ रहे होगे पैर, और बेयर का मतलब होता है नंगे, तो डो नॉट वॉक बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव मत चलो। ठीक है, चप्पल पहन के चलो, नंगे पाँव मत चलो। बालों को कंघी करो, ठीक है, बाल बना लो मतलब बालों को कंघी कर लो, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, कॉम द हेयर, तो पता ही आपको, कॉम द हेयर, बालों को कंघी कर लो। नेक्स्ट देखो, अपने वचन से मत फिरो, कभी कोई कोई इंसान कोई बात कह देता है और बाद में अपनी बात से मुकर जाता है, तो आप उसको उस केस में क्या बोलते हो कि यार तुमने पहले ही चीज़ बोली थी, अब तुम इस अपनी बात से हट रहे हो, तो अपने वचन से मत फिरो मतलब अपनी बात से मत हटो, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, बैक आउट मतलब पीछे हटना, तो इसलिए हमने वहाँ से वचन से मत फिरो की बात हो रही ना कि मतलब अपने वचन से मत हटो, तो बैक आउट मतलब बैक स्टेप मत लो, तो मैंने यहाँ से क्या बोलूँ, डू नॉट को फिर से शॉर्ट में लिख रही हूँ, डोंट बैक आउट, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस से बैक आउट मत करो मतलब अपने प्रॉमिस से पीछे मत हटो, तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। ठीक है, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आप सबको पता ही होता है, हाथ मिलाइए मतलब शेक हैंड्स,
ठीक है, हाथ मिलाइए मतलब शेक हैंड्स। आप किसी को कह रहे हो कि आप अपने हाथ मिला लीजिए, मतलब अपने हैंड्स को शेक कर लीजिए, शेक हैंड्स। तो ये सी फ्रेजेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अब मैं फिर से अगेन राइट हैंड साइड क्लियर करने वाली हूँ एंड यू विल टेल कि इनके क्या आंसर्स होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग इनको बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर ऑफ फ्रेज से, फर्श पर मत थूको। मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी इसको इंग्लिश में? फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। साइकिल में हवा भर दो, बताइए क्या बताया था? साइकिल में हवा भर दो, इन्फ्लेट द साइकिल, क्या बताया था? इन्फ्लेट द साइकिल, साइकिल में हवा भर दो। नेक्स्ट, मेरा हाथ छोड़ दो, लेट गो माई हैंड, क्या बोलोगे? लेट गो माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो। नंगे पाँव मत चलो, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? डोंट वॉक बेयर फुटेड, डोंट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलो। बालों को कंघी करो, कॉम द हेयर, ठीक है, अपने वचन से मत मत फिरो, अपने वचन से फिरो मत, मतलब डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। डोंट बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है पीछे पीछे जाना, अपने वचन से फिरना, मतलब किसी से बैक स्टेप लेना, ठीक है। तो अब डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। हाथ मिलाइए, शेक हैंड्स, तो बताइए आपको शेक हैंड्स, ठीक है। बहुत सारे फ्रेजेस हमने देखे, और कुछ से फिर से फ्रेजेस कुछ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ठीक है। अभी आजकल तो वैसे भी COVID-19 चल रहा है, तो हर किसी को ये बात बोलने की ज़रूरत है। मैं खुद से आप लोगों को बोल रही हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। सब इम्यूनिटी पे ही काम करेगा ये COVID-19 जो है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। बस वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पे इम्यूनिटी की दिक्कत है। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। तो इसके लिए क्या कहोगे आप? यही कहोगे, सबसे कह सकते हो आजकल तो, हर बार बार ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। COVID-19 के चलते स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी हेल्थ सही है, तो आप इजीली इससे फाइट कर सकते हो, COVID-19 से इजीली फाइट कर सकते हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्या बोलोगे आप इसको? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। देखो अगर हम बोल रहे हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अगर सिर्फ इतना बोला है स्वास्थ्य का ध्यान रखो तो सिर्फ इतना कह सकते हो टेक केयर ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। दोनों में वही है, बस आपने अगर अपना लगा दिया वहाँ पे, अगर आप बोल रहे हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, और अगर नहीं लगा रहे हो तो टेक केयर ऑफ हेल्थ, दोनों ही सही है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरे कोट को रफू कर दो, फट जाता है कई बार जब कोई कपड़ा, तो उसको रफू कराया जाता है, आपने सुना हो, ठीक है। तो आपने बोला कि मेरे कोट को रफू कर दो, तो रफू करने के लिए क्या बोलते हैं? कोट को रफू करने की बात हो रही है, तो आप बोलोगे उसके लिए डान माई कोट, डान माई कोट, बहुत ही अच्छा वर्ड। जब आपका कोई कपड़ा फट जाए, कुछ भी हो सकता है, कोट जरूरी नहीं है, आपका कोई सूट हो सकता है, शर्ट हो सकती है, तो डन माई शर्ट, डन माई कोट, कुछ भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, ठीक है। अब कोई अगर किसी दूसरे बंदे को बोल रहा है कि ये चीज़ मुझे पढ़ के सुना दो, ये पत्र मुझे पढ़ के सुनाओ, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? रीड आउट इट्स, रीड आउट दिस लेटर, रीड आउट दिस लेटर टू मी, रीड आउट दिस लेटर टू मी, ठीक है। रीड आउट दिस लेटर, ये लेटर मेरे लिए पढ़ दो, मतलब मुझे पढ़ के सुनाओ। रीड आउट दिस लेटर टू मी, मैं इस समय व्यस्त हूँ। एक तो सिंपल है ही, आपको पता है व्यस्त के लिए बिजी का यूज़ करते हैं, आई एम बिजी एट दिस टाइम, वो भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, आई एम बिजी एट दिस टाइम। लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड जो थोड़ा सा और ट्रेंडी लगेगा और अच्छा लगेगा बोलने में, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, आई एम टाइड अप एट दिस टाइम, ठीक है। क्या बोलोगे? आई एम टाइड अप, आई एम टाइड अप, वो भी सही है, आई एम बिजी भी सही है, बट ये थोड़ा अच्छा लगेगा। और आई एम टाइड अप एट दिस टाइम, मतलब मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आई एम टाइड अप एट दिस टाइम, ठीक है। बिजी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिजी को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम टाइड अप यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड जो हम बिजी की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो मैं उसकी लिस्ट आपको अलग से दे दूंगी कि आई एम बिजी को हम और किस किस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको ये बोलना है किसी को आई एम बिजी, तो हम उसको आप और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सारी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। मैं इस समय व्यस्त हूँ, आई एम टाइड अप एट दिस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, रोज बोल सकते हो, आप किसी को भी बोल सकते हो, अपने फोन पे बोल सकते हो, कलीग्स को बोल सकते हो, बॉस को बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। तो इसकी मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी कि आई एम बिजी को हम और किस किस तरीके से बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए वो बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, मैं आश्चर्य में हूँ। अरे मतलब मैं तो बहुत आश्चर्य में कि ये कैसे हो गया, कहते हो ना कि यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। मैं आश्चर्य में मतलब आई एम शॉक्ड, ठीक है, आई एम शॉक्ड, मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ, आई एम शॉक्ड, ये कैसे हो गया, मैं आश्चर्य में, आई एम शॉक्ड। बिस्तर बिछा दो,
सोने से पहले आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बिस्तर बिस्तर बिछाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बिस्तर बिछा दो सोने से पहले, डेली ये बोलिए। अगर किसी बिस्तर बिछवाना है आपको, बिस्तर लगवाना है, तो क्या बोलोगे? मेक द बेड प्लीज़, ठीक है, ये बोलो, हमेशा यही बोलो रात को सोने से पहले। आप ये मत बोलो बिस्तर बिछा दो, क्या बोलोगे? मेक द बेड प्लीज़। इंग्लिश में बोलो, बोलोगे ये दो चार बार बोलोगे, पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके को, इस चीज़ इन फ्रेजेस को हमें इस तरीके से यूज़ करना है। एक दो बार बोलने का आया हुआ, जहाँ आपने एक दो बार अपनी डेली में यूज़ किया उसके बाद प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है। मेक द बेड प्लीज़। सुई में धागा डाल दो, सिलाई सिल रही होती है मम्मी, कई बार कपड़े सिल रही होती हैं तो मम्मी बोलती हैं कि सुई में धागा डाल दो, या आपको भी किसी को अगर कहना है सुई में धागा डाल दो तो आप उसको कैसे बोलोगे? सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल, थ्रेड बोलते हैं धागे को और नीडल बोलते हैं सुई को, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला थ्रेड द नीडल, मतलब नीडल में क्या करो, धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। कोट के बटन बंद करो, कोट के बटन खुले हुए आपको कहना है कि कोट के बटन बंद करो, तो आप उसको कैसे बोलोगे? कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट, क्या बोलोगे? बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट, तो आप बोल सकते हो कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट। देखो कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं, सारे डेली में यूज करने वाले फ्रेजेज हैं, बस आपको यूज करना है, करो उनको यूज, तभी कुछ फायदा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप इनको रोज यूज करो। देखो आप मेरे साथ साथ बोलोगे, कुछ अभी आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अभी आपको याद हो जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो आपको आप अपने घर पे वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद से माइंड में भी सेट कर लेना है कि जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलना है, तो अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर हाँ कोई सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आई विल टेल यू, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, कैसे बोलोगे आप इसको इंग्लिश में? स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बताइए, वेरी गुड। टेक केयर ऑफ हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। दोनों में से जो भी आप बोल रहे हो हिंदी में, उसी को आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हो। मेरे कोट को रफू कर दो, ठीक है, क्या बोलोगे? डान योग, डान माई कोट, डान माई कोट। शर्ट कुछ भी हो सकती है, शर्ट हो सकता है, सूट हो सकता है, जिसके लिए भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, बोलिए यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, वेरी गुड। मुझे सब सुन रहे हैं आप, ये मैं सोचे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सब सुन रहे हैं, मैं सब फील कर सकती हूँ कि आप कितना बोल पा रहे हैं कितना नहीं बोल पा रहे, जस्ट मैं सब बोलिए, ठीक है। यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, क्या बोलोगे? रीड आउट दिस लेटर टू मी, रीड आउट दिस लेटर टू मी, मुझे ये पढ़ के सुनाओ। मैं इस समय व्यस्त हूँ, वो तो आप बोल सकते हो, आई एम बिजी एट दिस टाइम, और इससे भी अच्छा आपके लिए क्या है बोलना? आई एम टाइड अप एट दिस टाइम, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं बताऊंगी बाद में आपको। मैं आश्चर्य में हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे कैसे हो गया, मैं आश्चर्य हूँ, मतलब आई एम शॉक्ड, ठीक है, आई एम शॉक्ड। बिस्तर बिछा दो, रात को सोने से पहले किसी को भी कहना हो तो आज के बाद बिस्तर बिछा दो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मेक द बेड प्लीज, क्या बोलोगे? मेक द बेड प्लीज। नेक्स्ट देखो, सुई में धागा डाल दो, आज के बाद किसी को ये बोलना है तो क्या बोलोगे? थ्रेड द नीडल, थ्रेड द नीडल, थ्रेड बोलते हैं धागे को, नीडल बोलते हैं सुई को, ठीक है। कोट के बटन बंद करो, कोट के बटन बंद करो मतलब बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट। तो इस तरीके से आप इनको यूज करोगे। 30 फ्रेजेस हमने आज पढ़े हैं, 30 फ्रेजेस जिनको आप डेली यूज कर सकते हो, ठीक है, डेली में यूज होने वाले फ्रेजेस हैं ये, और भी बहुत सारे फ्रेजेस जो इनको आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी, इसी तरीके से आपको इंग्लिश को बोलना आएगा, स्पोकन इंग्लिश वाला पोर्शन इसी तरीके से कवर हो सकता है। पहले हम छोटे छोटे चीज़ों पर काम करेंगे कि जो आपके डेली में आपके सेंटेंस जो बोलने वाले जो फ्रेजेस होते हैं उनको आप कैसे बोल पाओगे, जब इनको स्टार्ट करोगे तो फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें कवर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो पहले शुरू करो इनको बोलना, फिर हम और भी चीज़ों को लेकर चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हमने आज 30 फ्रेजेस किए जो आपकी क्लास, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहे, आज की पूरी वीडियो के साथ बनने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।